तो अभी जो भजन गा रहे हैं, हमारे यहाँ नवमी में पुजाई होती है। देखिए कि मैं अपने अनुभव से ही लिखी हूँ इस भजन को, कि कैसे जब हो जाता था डिनर तो हम लोग सब लोग नहाते थे और माँ बोलती थी कि चापाकल से पानी ले आओ घड़ा में भर के, और फिर रात भर कैसे रात भर जागते थे हम लोग, दाल भरी पूड़ी बनती थी, नया नया गुड़ आता था तो जाऊर बनता था। तो ये सब बातों का वर्णन है। और जागरण करब आज रतिया, जागरण करब आज रतिया, भवनवा जरूर
माथे सिंदूर औरी टिकवा पहनाए बे, माथे सिंदूर औरी टिकवा पहनाए बे, माथे सिंदूर मैया टिकवा पहनाए बे, माथे सिंदूर मैया टिकवा पहनाए बे, खोई छा भरब भिनो सारावा भवन जरूर स्वस्ती पांडे जी कह रही हैं, यदि हमारे घर में कोई सौभाग्यवती स्त्री आएगी, दुर्गा रूप आएगी या माता जी जो भी आएंगी, पहली बार आएंगे, तो नियम सिस्टम है कि जब जाने लगेगी तो दुर्गा स्वरूप समझ करके, अतिथि समझ करके, देवी समझ करके, उनके आंचल में चाहे दुपट्टा हो या साड़ी का आंचल जो भी हो, उसमें क्या होता है, श्रद्धा निष्ठा से मिष्ठान फल केवल नहीं द्रव्य के साथ, यहाँ डॉलर के साथ, अरे अच्छा डॉलर डेवलपमेंट करके दे, जैसे भी रिस्पेक्ट के रूप में दिया जाता है, क्योंकि ये दुर्गा के रूप में आई थी हमारे घर में, इस तरह से आदर होता है हमारे यहाँ का सिस्टम है। तो कितना बढ़िया, स्वस्ति जी ने कहा, आपको अच्छा लगा तो जोरदार तालियां बजाइए।